और अब ट्राई कर रहा है, ये दिखाओ शक्ल अपनी, ठीक लग रहा है, वो पहला वाला भी सही लग रहा था। तो सेकंड शॉपिंग रिचा की हो रही है, अनदर माइकल कॉर के ग्लासेस। थोड़ी रात हो रही है, इतना अच्छा वहाँ पे ना लाइटनिंग हो गई है, मजा ही आ रहा है यार। बैग इज हियर, मेरा कोच था ब्रांड जो अभी तक मेरे नहीं मेरे वार्डरोब में था। अब चलो वो भी आ गया, दो घंटे में हमने ये सब ले लिया, निपटा दिया। अब पर नहीं हो रहा बंद, क्योंकि 6:30 बजे बंद होना शुरू हो जाता है। Hey everyone, welcome back to our channel and we are in car. आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि हमने आपको बालाजी के टेम्पल जी के दर्शन करवाए थे, जो कि बर्मिंघम के बिल्कुल नजदीक में है। अभी हम आपको दिखाएंगे आज के व्लॉग में कि अगर आपको लग्जरी डिस्काउंटेड शॉपिंग करनी है तो आपको लंदन के पास बिस्टर विलेज करके एक लोकेशन है, वहां जरूर जाना चाहिए। अगर आपको नहीं भी करनी, जाके देखो यार, मतलब दुनिया में क्या चल रहा है, क्या वैरायटी आई हुई है, या फिर कितना डिस्काउंट है, क्या नया फैशन चल रहा है। ऑफ कोर्स यू हैव टू गो एंड एक्सप्लोर, लंदन से 1 घंटे का ड्राइव है, ट्रांसपोर्ट भी है, लोकल ट्रांसपोर्ट भी है लंदन से, आप चेक कर सकते हो गूगल पे, कार है तो बढ़िया बढ़िया है। एक्चुअली टेंट्स उन सब के डिजाइनर आउटलेट उसके अंदर, यस, तो सारे शॉप्स मिलेगा आपको, गुची से लेके प्राडा से लेके एवरीथिंग, मतलब सब कुछ मिलेगा, जो भी आप हाई एंड लग्जरी ब्रांड सोच सकते हो वहाँ पे आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा सामान। आपको नहीं भी खरीदना, आप जाओ खाओ पियो एंजॉय करो, देखो वहाँ पे क्या चल रहा है, कभी मन बने तो खरीद भी लो, आपके बजट में है। तो आज हम जा रहे हैं, हम पहले भी वहाँ पे कितनी बार गए हुए हैं, शायद आपने हमारे पुराने व्लॉग्स में देखा हो, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं। आज हमारी, जैसे कि हम आए हुए हैं एक ट्रिप पे 10 ईयर एनिवर्सरी के, तो हमने सोचा चल यार रास्ते में जाते हुए बिस्टर विलेज होके चलते हैं, आप लोगों के लिए व्लॉग भी रेडी करते हैं। वी आर नॉट श्योर कि हम लोग को शॉपिंग कितना करेंगे वहाँ पे, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत शॉपिंग कर चुके हैं और अभी सोच रहे हैं कि वहाँ जाते हैं अगर कुछ नई वैरायटी हुई, कुछ नया पसंद आया तो डेफिनेटली वी गोना बाय दिस, क्योंकि डिस्काउंट प्राइस में किसको खरीदना पसंद नहीं है। तो लेट्स एक्सप्लोर बिस्टर विलेज विद अस टुडे एंड वी आर रेडी। ये ड्राइव बहुत ही प्यारी है, मतलब बिल्कुल खाली रोड्स है, मजा आ रहा है ड्राइव करने में, स्पेशली सौरभ को जब ट्रैफिक होती है तब तो बिल्कुल ही मतलब मजा नहीं आता। गाड़ी में क्रूज कंट्रोल लगा दी है, अपना स्पीड चल रही है, पैर दबाने की जरूरत नहीं है, बस हैंडल संभाल, पैर दबाने की मतलब इसलिए दे रहा हूं मैं, हां पैर दबाने की। तो फिलहाल पहुंचते हैं बिस्टर विलेज, जो कि 40-45 मिनट है यहाँ से। पहुंच चुके हैं बिस्टर विलेज में, यहाँ पे ही स्टार्टिंग है, और आज क्या है कि 2 या 3 दिन कुछ तो 10% एक्स्ट्रा सेल लगी हुई है, उस वजह से काफ़ी भीड़ है। आई कैन सी लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर। तो यहाँ पे आपको हर एक लग्जरी ब्रांड मिलेगी, ऐसे ऐसे ब्रांड्स जिनके कई बार नाम भी नहीं सुने होते, स्टार्टिंग फ्रॉम जिमी चू। एक चीज़ और बड़ी है, भीड़ बहुत होती है, तो यहाँ पे ना कई बार शॉप्स के बाहर आपको खड़े होना पड़ता है एंटर करने के लिए, कई बार वो नंबर देते हैं। जितना मुझे याद है लास्ट टाइम ऐसे हुआ था, काफ़ी सारी शॉप्स में क्या हुआ था कि वो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है अंदर जाने वालों की, तो वो बोलते हैं बाहर वेट करो 10 मिनट 15 मिनट, आपको नंबर दे देते हैं कि आपको फिर बुलाएंगे। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा इस हद तक भीड़ होती है कि अगर तुम्हें अंदर भी विजिट करना है तो समटाइम्स यू नीड टू वेट, जैसे रेस्टोरेंट्स में होता है ना खाने के लिए वेट, तो वैसे होता है। यार इन जिमी चू और जिमी चू लंदन के पर्सेस जो है, बैग्स हैं, काफ़ी डिसेंट लग रहे हैं मेरे को, एंड प्राइसिंग वाइज क्या है भाई सीन दिखाई नहीं हुआ। नेक्स्ट शॉप इज टिम्बरलैंड, ये देखो बैग्स, ये देखो बैग्स, ये भी वैसे ही है ना जो कल देखे थे, कपड़ों इसकी मतलब क्वालिटी नहीं सही। मेरे को भी ना सौरभ जैसा बैग लेने की ना चूल मच गई है, ऐसा वाला देखना एक मिनट मुझे ना एक दोनों को कंपेयर करना, कोई फर्क लग रहा है ना, बस ब्रांड का फर्क है, बट दिस इज क्वाइट गुड है ना। इसका स्पेस देखना कितना साइज का, मतलब अंदर से देखना स्पेस वाइज काफ़ी अच्छा है सौरभ, पासपोर्ट वगैरह डालने में। कोच न्यूयॉर्क में आ गए हैं, जब मुझे याद है मैं जब न्यूयॉर्क में थी ना वहाँ पे इतने बढ़िया डिस्काउंट लगे हुए थे ना, लेट्स सी यहाँ पे कितना डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि नो कंपैरिजन ऑफ जिस सिटी का जो सामान होता है वहाँ पे डेफिनेटली वो सस्ता ही मिलता है। तो काफ़ी सारी बढ़िया कलेक्शन है यहाँ पे। बैग्स की जो रेंज है वो 500 पाउंड से 200-250 पाउंड तक हो चुकी है, काफ़ी सारे बैग्स की 50% ऑफ पे चल रहा है, और एडिशनल 10% भी मिलेगा अगर आप बिस्टर विलेज के मेंबर हो, वो मतलब नॉर्मली आप वेबसाइट पे जाओ मेंबर बन सकते हो। मुझे ये भी अच्छा लग रहा है बैग, कूल भी। हम कहाँ जाए, कौन सी शॉप पे, एक्चुअली ज्यादातर तो इसको कोच का बैग पसंद आ गया है, पहले और भी 5 जगह देख लेंगे, कोई अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो वो तो पिक करना ही है, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट और थोड़ा मतलब मजेदार लगा था मेरे को भी। मेरे को ना एक्चुअली चाहिए कि अगर मैं कोई ब्रांड का लेती हूँ ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कईयों पे लिखा नहीं होता तो सारा पंखा उसे पकड़ जाता है। फेंडी के बैग चलते हैं, फेंडी के बैग चलो फिर, वहाँ पे भी डिस्काउंट तो होंगे ही ना,
इधर इसमें भी है यार, लेट्स सी इधर। तो एक शॉप से ट्रेंडी स्टोर में मुझे ज्यादा वैरायटी नहीं मिली, अगर आप कहीं और जाते हो ना वहाँ लंदन के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में ना बहुत वैरायटी है। यहाँ पे ज्यादातर मुझे ना बच्चों के कपड़े और मतलब कुछ लगा नहीं, वो वाइब्स नहीं आए। तो एक शॉप से दूसरे शॉप को हॉप करते करते चलो मिल जाएगा ढूंढते। क्या बात है, डोसे कमाना चलते हैं। चॉकलेट है नहीं तो मेरे को वो पीनी है, चाय पीनी है, पर पहले डोसे कमाना चलते हैं। और साथ में मेरे को फ्राइज खाने का मन हो रहा है यार। देखते हैं सारी ब्रांड्स आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए इफ इन केस यू आर कमिंग कि नहीं। देखिए £99 का एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रमोशंस, नॉट बैड। एंड देन दे वाले बैग भी हैं, वही ना ये कलर बड़ा प्यारा लग रहा है आजकल, दिस कलर चमकीला ले लो तो। हाँ हाँ नहीं नहीं नॉट चमकीला, दिस वन। सौरभ आया अपने के लिए सनग्लासेस देख, और अब ट्राई कर रहा है, दिखाओ शक्ल अपनी। ठीक लग रहा है, वो पहला वाला भी सही लग रहा था। वो पहले कौन सा पहना था तुमने, ये वाला ट्राई करो, दिस वन इज कूल। पर फेस के हिसाब से देखो, वी आर इन माइकल कोर। माइकल कोर का ना हमेशा ही प्राइस वन एंड सेम ही रहता है, £129 का, एंड देन £200, £150, £160 ऐसे रहता है। और लाइक दिस, ये देखिए आप अगर कोई भी रेंज लेना चाहते हो आप ले सकते हो। 35 ये भी इनका स्टैंडर्ड ही रहता है, जो ऑफिस वाला बैग होता है। तो सेकंड शॉपिंग रिचा की हो रही है, अनदर माइकल कोर के ग्लासेस शेड्स बहुत अच्छे उसमें मिल रहे हैं मुझे, काफी अच्छे अच्छा हो रहे हैं। थोड़ी तो तू जवान लगा, नहीं जवान ठीक है, लल्ला लल्ला है, कोई टेंशन नहीं। मेरी तरफ से गिफ्ट एनिवर्सरी गिफ्ट। तो जी माइकल कोर से शेड्स लिए गए हैं, अब चलते हैं कुछ खाने के लिए क्योंकि चल चल के थक गए। मेरे को £150 के शेड्स मिले हैं £95 में। ओए होए टोरी बड़ी है, टोरी मैंने पांच लूट लो, लूट लो, लूट लो, हाँ हाँ लूट लो, लूट लो, लूट लो। सौरभ अभी टॉमी हिल फिगर में देख रहा है कुछ, तो अगर उसको कुछ पसंद आता है। मेरी लिपस्टिक पूरी ना खराब हो, तो अभी हम लोग फटाफट थोड़ा सा इवनिंग रैप्स खाने लगे हैं। हाँ सिर पे ना टोपी पहन लो, ठंड लग जाएगी। हाँ एंड अभी ना थोड़ी रात हो रही है तो इतना अच्छा यहाँ पे ना लाइटिंग हो गई है, मज़ा ही आ रहा है यार। हम आ चुके हैं गुच्ची के स्टोर में, यहाँ पे बड़ा हाइप दिया हुआ है बट इतनी भीड़ है नहीं जितनी सोची थी। सो कलेक्शन इज लाइक दैट, लेट्स सी क्या क्या है यहाँ पे। कपड़े ज़्यादा दिख रहे हैं, घूमते घूमते हो चुके हैं शाम के 5, और तुम्हें पता 5 बजे यूके में अंधेरा शुरू हो जाता है। बीच में हमने आधा पौना घंटा ब्रेक भी ली थी, खा रहे थे हम लोग, हमने कॉफी। चलते हैं फटाफट पराठा में, पराठा ट्राई करने अपने लिए। पराठा में चलते हैं, एक मुझे टेड बेकर जाना है और एक मुझे कहीं एक और कौन सा था जो रह गया हमारा, कोई तो है तो हम देख लेते हैं। हाँ कोच मुझे लास्ट में यार। एमनाइट की शॉप है, यहाँ पे सबसे बढ़िया बैग्स वगैरह मिलते हैं, एंड सौरभ इज गोइंग टू बाय वन मोर, उसको इतना अच्छा लगा ये वाला, ही इज गोइंग टू बाय वन मोर। लेट्स सी क्या रहे कि ये बैग्स बहुत अच्छे हैं, ट्रैवल पर्पज से बहुत बढ़िया है बैग। और फाइनली कोच का भी बैग लिया जा रहा है, आया तो शॉपिंग पे शॉपिंग हो रही है। नीचा एक्साइटेड, मैडम जी लाइन में लग गए हैं बैग की शॉपिंग के लिए। अब चलो वो भी आ गया, सब आ गया। एक ये वाला भी जो था कहाँ गया, वो तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में, बाकी वो अलग है। चलो ये एक तो आया। सौरभ को भी अब लेना, सौरभ बहुत बेटर लग रही है, अच्छी लग रही है ना, अच्छी लग रही है। सिर्फ 169 पाउंड की ले लो बस, सिर्फ बेटर लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, मतलब तुम्हारे थोड़ा सा तुम ना वो एविएटर से हट के आओ। फाइनली ले रहा है न्यू अपने शेड्स, कितने शेड्स लोगे सौरभ? मेरा टूट गया एक्चुअली यहाँ पर अभी। चलो फिर नया लो। तो सौरभ की हो गई है बस, हम लोगों ने कोच माइकल को घंटे नहीं चल, 4 बजे तुम यहाँ पहुँचे हो, 3:30-4 बजे तुम यहाँ पहुँचे हो, अभी बजे 6:30, 2 घंटे में हमने ये सब ले लिया, निपटा दिया। अब बने ही हो रहा बंद क्योंकि 6:30 बजे बंद होना शुरू हो जाता है एंड भीड़ हो गई है कम। तो मैं सोच रही हूँ सौरभ, मैं सोच रही थी इधर भी चली जाऊँ DKN में, सौरभ कहते बस कर अब मेरी बस हो गई है। अभी अगले सीजन आएंगे 4-5 महीने बाद, जब ये थोड़ा यूज़ कर ले तब तक
अभी तो पता नहीं रखने के लिए, सही आता है इसको रखने के लिए पहले पुराने हटाने पड़ने कुछ तो। सही आता है। चलो आई एम हैप्पी, मैंने परचेज किए हैं दीज शेड्स, मैं घर जाके बताती हूँ। सौरभ ने कोच के शेड्स लिए हैं एंड देन एक लिया है हमने ये बैग सैमसंगाइट का, एक लिया कोच का मैंने बड़ा वाला बैग जो मुझे चाहिए था। एंड थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, और हमारे 10 इयर्स की खुशी में ये शॉपिंग की गई है। रोज रोज नहीं होती। घर पहुंच गए हैं और लाइट ऑन कर दे भाई, लेट्स सी। चलो जी अब हो गई लाइट ऑन, अब दिख रहा है अच्छे से। तो ये ना सारा सामान गाइस अभी खोलें कि कल खोलें, थके हैं यार। और यहाँ से है बाहर का व्यू, बाहर का व्यू भी दिखा देते एक बार, काफ़ी टाइम से दिखाया नहीं मैंने। तो दिस इज द व्यू एंड दिस इज चंदा मामा, एंड आप देख सकते हो यहाँ से पूरा लंदन दिख रहा है। ठंड बहुत है बाहर। आप लोगों को बोलते हैं बाय और गुड नाइट, क्योंकि रात के बज चुके हैं 10 की 11, नींद बहुत आ रही है। सुबह करते हैं अनबॉक्सिंग, गुड नाइट एंड बाय बाय, सी यू। आने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमने न्यू लाइट्स इंट्रोड्यूस की हैं अपने रूम में, इतनी अच्छी वाइब्स देती है ना ये, मैं क्या बोलूँ। ये देखिए ये है लाइट्स, और इनकी जो झलक है ना बाहर भी हल्की हल्की आती है। तो बाय बाय सौरभ, शॉपिंग दिखाते हैं कल की व्लॉग में, क्योंकि अभी हम थक गए हैं। सो कह रहा है मेरे को एक कप चाय पिला दे, खुद बनाओ। खुद बनाओ। गुड नाइट।